ये है AI किट। इसमें विभिन्न तरह की सामग्रियां हैं जो AI करते समय मुक्त कार्य में लाया जाता है। जैसे यदि हम शुरू से हम लोग देखें तो एक AI किट में एक आएगा स्ट्रॉ को रखने के लिए, सेमेन स्ट्रॉ को रखने के लिए, और ये है सेमेन स्ट्रॉ। तो सेमेन स्ट्रॉ को हम लोग हमेशा प्लास्टिक में लेके तो नहीं चल सकते, इसको अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर रखने के बाद अब इसमें जो प्रमुख है वो है AI गन। AI गन को रखने के लिए ये है AI गन कंटेनर और ये हो गया AI गन। इसमें AI गन को हमेशा इसमें रखा जाता है यूज करने के बाद, जो क्योंकि कंटामिनेटेड ना हो, दूषित पदार्थ न लगे। ये हो गया आपका एप्रन, यदि AI करने जाएंगे तो गोबर उबर से बचाने के लिए एप्रन। ये हो गया फुल हैंड ग्लव्स, AI करते समय पशु के मल द्वार में हाथ डाला जाता है तो AI ग्लव्स लगा के हाथ डालेंगे। और AI करते समय थॉइंग के लिए दो चीज प्रमुख है, एक है किडनी ट्रे जिसमें पानी को रखा जाता है जिसका टेम्परेचर 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर नापने के लिए एक आता है थर्मोमीटर की सहायता से इसका टेम्परेचर नापेंगे। टेम्परेचर नापने के बाद जब थाव हो जाएगा, थाव करना हमको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 30 सेकंड तक, थाव करने के बाद स्ट्रोक निकाल के उसको एक तौलिए से पोछना होता है। इसलिए पोछना होता है क्योंकि उसमें यदि पानी का एक बूंद भी रहेगा तो ये उसके लिए जहर का काम करेगा, मतलब सेमेन स्पर्म को मार देगा। अब स्पर्म को निकालने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसका नाम है थाव मोनिटर फोर्सेप। इसको थॉम मॉनिटर फोर्सेप कहते हैं। इसका उपयोग सेमेन स्ट्रो को निकालने के लिए किया जाता है। और ये है स्ट्रो कटर जिसका उपयोग स्ट्रो को काटने के लिए किया जाएगा। इतना होने को यदि हम लोगों के पास यदि स्ट्रो नहीं है तब हम इस केस में सिंपल सीजर का भी उपयोग कर सकते हैं स्ट्रो को काटने के लिए। और यदि हम लोगों के पास थॉम मॉनिटर नहीं है तो सिंपल थर्मोमीटर का उपयोग कर सकते हैं हम लोग पानी का तापमान लेने के लिए। थैंक यू।